और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। एक बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पुतिन की पलटन को अब बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने यूएवी से हमला कर रशियन ट्रक को तबाह कर दिया है। रूसी ट्रक पर बड़ी मात्रा में गोला और बारूद लदे हुए थे। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार दूर तक उठता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेनी सैनिकों ने कई शहरों को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर रशियन सैनिकों का कहर टूट रहा है। खासतौर पर बुचा इन दिनों भारी तबाही का गवाह बन रहा है, जहां पर नरसंहार को भी कहा यह जा रहा है कि रशियन सैनिकों ने अंजाम दिया है। बिल्कुल, बूचा कब्रगाह इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लाशें इस वक्त है लोगों की, और बर्बरता जो रूस ने की है इसकी हर तरफ निंदा हो रही है। वहीं पुतिन रुकने का यहां पर नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब पुतिन की पलटन को यूक्रेन कड़ा जवाब दे रही है। और चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध की आज की सबसे बड़ी खबर है ये। 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक हो सकता है। यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों को अलर्ट में रहने के लिए कहा है। साथ ही देखिए, यूक्रेन की सरकार ने कहा कि भाग सको तो भाग लो। खार्किव, दोनेत्स्क और लुहांस्क के लोगों से यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरियाना की अपील है कि समय रहते इस इलाके को छोड़ दो, क्योंकि पुतिन कभी भी एक बड़ा प्रहार कर सकता है। यूक्रेन शहर में क्या भूखा जैसा नरसंहार होगा, इसको लेकर भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि पुतिन अब एक बड़ी प्लानिंग में है कि यूक्रेन को तबाह करना है, इसलिए हो सकता है परमाणु अटैक भी हो। रूस हर रोज मिसाइलें मार रहा है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। कीव और सुमी से पीछे हटने के साथ ही रूस ने डोनबास और ओडेसा को घेरना शुरू कर दिया है। रूसी फौजियों के मूवमेंट लगातार पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की ओर बढ़ती जा रही है। पुतिन का नया प्लान यह है कि समझौते के तहत युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन जब तक समझौता हो रूस उन रणनीतिक जगहों पर फतह हासिल कर ले जिससे उसे आगे चलकर यूक्रेन को दबोचने में आसानी रहे। 24 घंटे में होगा बड़ा अटैक, भाग सको तो भाग लो। पुतिन का तगड़ा प्रहार, क्या फिर होगा नरसंहार? यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरियाना ने बुधवार को कहा कि यूक्रेनी मिलिट्री लगातार खार्किव, डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों में लोगों को समझा रही है कि वो समय रहते इलाके को छोड़ दें, क्योंकि रूस इन इलाकों में बड़ा अटैक करने वाला है। अगर लोग यहां से नहीं जाते हैं तो उन्हें रूसी अटैक झेलना होगा जिसमें उनकी जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वे उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, और हम भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। यूक्रेनी प्रशासन का मानना है कि अभी समय है कि वो निकल सकते हैं और हम उन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी ही और कभी भी रूसी हमला शुरू हो सकता है। अब सवाल है कि रूस कीव को छोड़कर डोनबास में क्यों जा रहा है? क्या चाहते हैं पुतिन? दरअसल डोनबास में दो बड़े राज्य हैं, लुहांस्क और डोनेत्स्क। युद्ध से पहले दो तिहाई हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में था, बाकी हिस्से में अलगाववादियों का राज था। इस इलाके में अधिकतर रूसी बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पुराने कोयला स्टील के खदानें हैं। डोनबास के दो छोर पर दो बड़े शहर हैं, खार्किव और मारियोपोल, और ये दोनों शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग के साथ साथ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने भी ताकीद की है किन इलाकों में कभी भी रूस बड़ा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमीडी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड पर रूस कर सकता है बड़ा हमला। अमेरिका से दोस्ती पोलैंड को भारी पड़ सकती है। पोलैंड के रास्ते अमेरिका ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड पर आक्रमण की सूरत में परमाणु अटैक की संभावना अब और अधिक बढ़ सकती। तो लगातार देखिए यहाँ पर रूस परमाणु अटैक की धमकी दे रहा है, और कहा यह जा रहा है अब अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया है पोलैंड के रास्ते। इसके चलते रूस अब और भड़क गया है। रूस से पंगा, पोलैंड पर गिरेगा परमाणु बम।
रूस और यूक्रेन की जंग को 42 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहर भयानक हमले की वजह से खंडहर हो चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। पड़ोसी मुल्क पोलैंड यूक्रेनी की काफी मदद कर रहा है। अमेरिका भी पोलैंड के रास्ते रूस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के बाद रूस पोलैंड पर हमला कर सकता है? क्या रूस पोलैंड को तबाह करने के लिए परमाणु बम या कहें परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है? असल में पोलैंड में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आंखों में खटक रहा है। समाचार एजेंसी इरना ने स्पुतनिक के हवाले से बताया कि पोलैंड के उप प्रधानमंत्री यारोस्लाव काचिनिस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश अपनी भूमि में अमेरिका के परमाणु हथियारों को तैनात करने के लिए तैयार है और पोलैंड यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में वृद्धि का इच्छुक है। यानी कहीं न कहीं पुतिन के रूस के खिलाफ पोलैंड परमाणु जंग की तैयारी कर रहा है। इसलिए रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि पोलैंड परमाणु हथियार रखना चाह रहा है, ये रूस के लिए खतरा है। और रूस के लिए अगर खतरा है तो रूस निपटना जानता है। यानी पोलैंड के खिलाफ रूस कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक पश्चिमी और यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए हथियारों की खेप भेजकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसमें पोलैंड रूस के खिलाफ कुछ ज्यादा ही जंगी तेवर दिखा रहा है। इसलिए हो सकता है कि रूस पोलैंड को परमाणु बमों से लैस होने से पहले ही उसके ऊपर यूक्रेन की तरह हमला कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की अब एंट्री हो गई है। यूक्रेन को हथियारों की अमेरिका नई खेप भेजने की तैयारी में जुट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, 9000 जैवलिन मिसाइल अब यूक्रेन पहुंच चुकी है। जैवलिन मिसाइलों से रूसी टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए गए हैं। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों को खाक कर दिया, चौतरफा तबाही बरपा दी। लेकिन इसके बावजूद रूस की सेना यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जे में लेने में नाकाम रही, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल कही जाने वाली जेवलिन मिसाइलें भेजी थी। वो यूक्रेन की जंग में रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से टैंक और फाइटर जेट देने की मांग की थी, ताकि रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी जा सके। तो अब अमेरिका ने यूक्रेन को $100 मिलियन यानी $10 करोड़ की सैन्य मदद भेजी है। ये मदद 9000 जेवलिन मिसाइल सिस्टम के रूप में यूक्रेन को दी गई है। यूक्रेनी सेना और नागरिक अपने शहरों में घुसे रूसी टैंक को सीधा निशाना बना रहे हैं और इस लड़ाई में अमेरिका की जेवलिन मिसाइलें पहले की तरह उनकी खासी मददगार साबित होने वाली है। जमीनी लड़ाई में रूसी टैंकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका टैंकों की बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क यूक्रेन को इतनी ज्यादा संख्या में टैंक देंगे कि रूस के एक टैंक यूक्रेन के पास 10 टैंक होंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को 2,00,000 गोलियों की भी खेप भेजी है। यानी कि यूक्रेन का घमासान रूस की मुश्किलें अब और बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए।